हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो चैप्टर 6 का, क्योंकि हमारा इससे पहले वीडियोस में चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है और आज हम लेकर आए हैं इसके अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। एक कोशिक मतलब जिनमें एक कोशिका होती है। मनुष्य में बहुत सारी हैं, हाथी, बरगद और अमीबा। तो इसका आंसर है अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, तो इसका आंसर है अमीबा। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, मतलब बहुत हार्ड होता है। आपने देखा होगा पादप मतलब पेड़ों की जो स्टेम्स हैं, तना है, वो बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती है। हरित लवक होते हैं जिनकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। तो ये सभी जो है ये पादप कोशिका की विशेषता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह मतलब जहां से कोशिका अपनी ऊर्जा को निकालते हैं उसे ऊर्जा गृह कहते हैं, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन मैंने आपको बताया था अभी इससे पहली वीडियो में कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और थायलिन, ये सब जो है ये पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है, फिर आता है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है एथिलीन, जो कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए रिक्त स्थान पर। पहला रिक्त स्थान है, जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, दूसरा है, कोशिका सजीवों की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। ठीक है, ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो एक्चुअली ये ऊतक नहीं है, ये हार्मोन है। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऊतक दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर है जिब्रेलिन। शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में ऊतक सहायता करते हैं। कि जंतुओं में ऊतक होते हैं जो कि बाहर का आवरण बनाते हैं, और ये होते हैं एपिथेलियम ऊतक। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जोड़े मिलाने का। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि होती है प्रविभाजी ऊतक के द्वारा। मक्खी बहुकोशी के जीव हैं, पता है आपको। तंत्रिका ऊतक संदेशों का वहां संवहन करते हैं। मैंने बताया था कि ये हमारे मस्तिष्क में हमें संदेश पहुंचाते हैं, तंत्रिका ऊतक, कि हमारा हाथ जल गया है, हम वहां से फटाफट अपना हाथ हटा लेते हैं। और अगर हमारा हाथ सो जाता है, सोने का मतलब है कि तंत्रिका का जो संरचना है, मतलब जो जाल है, वो काम नहीं करता है, तो क्या हम अपना हाथ हटा पाएंगे? नहीं ना। तो तंत्रिका ऊतक ही होते हैं जो संदेशों का संवहन करते हैं। संवहन ऊतक पौधों में होता है, ये जाइलम होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सही गलत पे। अब मैंने इसलिए छुपा दिए हैं ये कि आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं और मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो पहला है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं। बताइए बताइए बताइए, ये है सही। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, बताइए, ये है गलत। अमीबा बहुकोशिक जीव है, ये भी गलत, ये एक कोशिकीय अभी आया था पीछे। सजीव कोशिका से बने हैं, ये तो ऑब्वियस है कि कोशिका से ही सजीव बने होते हैं, सो ये सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्या ये सही है? अभी बताया था मैंने, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए इसके बॉक्सेस में निशान ये लगे हुए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मैं लेंथी वाले क्वेश्चन है ये लेकर आऊंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू, बाय, एंड कीप योर स्टडी गोइंग।